हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स आज जो हम करेंगे वो है ठीक है इस इलस्ट्रेशन में ऐसे एक दो ट्रांजेक्शन है जो थोड़े से डिफरेंट है बट इन द सेम वे ओके okay? सो so वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड सम ट्रांजेक्शन आर ऑब्वियसली सिमिलर दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस कंप्लीटली सॉल्व इट इन डिटेल ठीक है सो बिफोर दैट न्यू पीपल टू माई चैनल काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर सो दीडियो टू यू ऑल ठीक है चलिए थॉट के साथ शुरू करते हैं स्टूडेंट इलास्ट्रेशन नंबर सेवन फॉर यू ठीक है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स पोने ठीक है सो डेबिट बैलेंस दिया गया है चेक करते हैं क्या है वो डेबिट बैलेंस ऑन फर्स्ट अप्रिल ट्वेंटीन कैश एट बैंक है फिफ्टी थाउजेंड संड्री डेटर्स फिफ्टीन थाउजेंड स्टॉक थर्टी फाइव थाउजेंड यू कैन सी योर स्टूडेंट्स थोड़ा सा इनको हाईलाइट करके आपको दिखा देती हूँ क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक पैराग्राफ में पहले दिया हुआ है बिकॉज यू शुड फर्स्ट दैट्स वाई द मेन थिंग क्या है आपको पूरा यू नो प्रम अच्छे से पढ़ना है जो पॉइंट फॉर्म में या डेट फॉर्म में देते हैं सिर्फ वही नहीं पढ़ना है पूरा जो भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते हैं वो भी आपको चेक करना है क्योंकि उसके अंदर भी एक ट्रांजेक्शन हिडन हो सकता है ठीक है तो मैं यहाँ पूरा ये यह हाईलाइट करके आपको बता रही हूँ क्योंकि ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जो पैराग्राफ फॉर्म में उन्होंने दिया गया दिया हुआ है सॉरी और बाद में डाल के उन्होंने ट्रांजेक्शन दिए हैं लेकिन ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा तो ऑब्वियसली ये ओपनिंग ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट्स ये कंबाइंड ट्रांजेक्शन चलिए देखते हैं कैसे करना है तो डेबिट बैलेंस ऑन फर्स्ट अप्रैल 2019 को कैश एट बैंक है 50,000 सन्ड्री डेट 15,000 स्टॉक 35,000 प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख है क्रेडिट बैलेंस फर्स्ट अप्रैल 2019 को सन्ड्री क्रेडिटर वर्षा 10,000 है बैंक लोन 40,000 है इससे पहले जो भी डिस्कशन हमने किए हैं एंट्रीज के ऊपर स्टूडेंट्स वहाँ पर हमने बैंक लोन बैंक लोन देखा है या किसी से बोरो किया है ये भी देखा है यहाँ पे आपका सेंड्रिक क्रेडिटर भी दिख रहा है बैंक लोन भी दिख रहा है तो आपको ये कंबाइन एंट्री बहुत सिंपल तरीके से पास करना है दैट इज कैश कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट होगा फिफ्टी थाउजेंड सेंड्रीट डेबिट होगा फिफ्टीन थाउजेंड स्टॉक थर्टी फाइव थाउजेंड प्लांट एंड मशीनरी डेबिट होगा वन लैख ठीक है सो so, टू जो क्रेडिट बैलेंसीज है टू पहले तो आपको लिखना है यहाँ पे क्रेडिटर वर्षा का दिया है अमाउंट सो टू वर्षाज अकाउंट टेन थाउजेंड होगा टू बैंक लोन फोर्टी थाउजेंड होगा एंड टू कैपिटल अकाउंट इन टोटल से माइनस करने के बाद डेबिट टोटल माइनस वर्षा और बैंक को माइनस करने के बाद जो बचता है वो होगा आपका कैपिटल अकाउंट का अमाउंट दैट इज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इन दिस केस चलिए मैं आपको फॉर्मेट की तरफ लेकर चलती हूँ वहां पर मैं आपको बताऊंगी दिस इज हाउ यूर सपोज टू राइट ये मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ स्टूडेंट्स, सो दैट ये बोलते बोलते आपके दिमाग में फिक्स हो जाए कि आपको फॉर्मेट हमेशा याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक्स आपको लिखना है जर्नल एंट्रीज भी लिखना है उसके नीचे डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट रुपीज क्रेडिट अमाउंट रुपीज द फर्स्ट एंट्री यहाँ पर ऐसे है यर डालना है ट्वेंटी नाइनटीन फर्स्ट अप्रिल फर्स्ट तो मैंने जैसे कहा था बैंक अकाउंट डेबिट हो चुका है फिफ्टी थाउजेंड सन्डरी डेटर्स डेबिटेड फिफ्टीन थाउजेंड स्टॉक थर्टी फाइव थाउजेंड और प्लांट एंड मशीनरी भी डेबिट वन लैख इन सबसे बिजनेस शुरू हुआ है लेकिन वहाँ पर लाइबिलिटी भी है वर्षा से लिया है टेन थाउजेंड क्रेडिट हो चुका है बैंक लोन भी है फोर्टी थाउजेंड तो आप डेबिट अमाउंट टेली करो टू लैक्स आता है माइनस वर्षा और बैंक लोन को हटा देंगे तो पचास हजार माइनस करेंगे दो लाख से तो बैलेंस वन लैख फिफ्टी थाउजेंड यू हैव टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ठीक है

अप्रैल फर्स्ट है परचेज गुड्स वर्थ नाइन्टी थाउजेंड फ्रॉम कंगना एट द रेट ट्वेल्व परसेंट जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाई चेक तो बहुत सिंपल है आपने परचेज किया है गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट होगा अलॉन्ग विथ आपका जीएसटी बारह परसेंट है तो सिक्स हाफ करना याद है ना स्टूडेंट्स सो सिक्स परसेंट आपका सेंट्रल जीएसटी होगा सिक्स परसेंट आपका स्टेट जीएसटी होगा टू अमाउंट इज पेड बाई वॉट बाय चेक तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कैसे हो जाएगा चलिए फॉर्मेट की तरफ चलते हैं यू कैन सी स्टूडेंट परचेज द गुड्स फ्रॉम कंगना अमाउंट अमाउंट इज पेड बाय चेक सो अकाउंट डेबिट हाउ मच है आपको कैलकुलेट करना है ट्वेल्व परसेंट जीएसटी तो बस सिक्स परसेंट सेंट्रल जीएसटी जैसे मैंने आपको कहा था सो नाइंटी थाउजेंड इंटू सिक्स अपॉन हंड्रेड आपको फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड देगा सेम गोज विद द इनपुट स्टेट्स एंड गुड्स सर्विस टैक्स इंटी थाउजेंड इंटू सिक्स परसेंट फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड देगा टू पेड बाई चेक ना सो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा दैट इज टोटल करना है आपको नाइन्टी थाउजेंड फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड आपको मिलेगा वन लैख एट हंड्रेड ठीक है नरेशन नहीं भूलना है स्टूडेंट बींग परचेज गुड्स लेस ओकेट द रेट ट्वेल्व परसेंट जीएसटी एंड पेड चेक यहां पर आप देख सकते हो टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट लिखा है नरेशन में और जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है देर इज नथिंग ट्रेड डिस्काउंट तो ये छोटी छोटी थोड़े से करेक्शन स्टूडेंट्स काइंडली कर लो क्योंकि इस एंट्री में आप देख सकते हो वहाँ पर कोई भी डिस्काउंट नहीं है नरेशन में लिखा है जो करेक्ट नहीं है ठीक है तो सिर्फ ये परचेज गुड्स वर्थ नाइन्टी थाउजेंड फ्राम कंगना है एट द रेट ट्वेल्व परसेंट जीएसटी अमाउंट पे पेड बाय चेक ऐसे टेन परसेंट डिस्काउंट का कुछ नहीं है तो काइंडली अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स यही हमको अंडरस्टैंड करना है नरेशन में टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट बिल्कुल नहीं है इसको हटा दीजिएगा यू कैन जस्ट राइट बींग परचेज गुड्स फ्रॉम कंगना एट द रेट ट्वेल्व परसेंट जी एस टी एंड पेड बाय चेक ओके सो यहाँ हमारा हो गया ट्रांजेक्शन नंबर वन कम्पलीट पहले तो पैराग्राफ वाला सॉल्व किया ना हमने ये ईयर डेट वाइज है चलिए विल क्विकली गो टू द ट्रांजेक्शन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स टू नेहा एट द रेट ऑफ एटीन परसेंट तो किसको सेल किया है गुड्स नेहा को तो नेहा कौन है रिसीवर है गुड्स जा रहे हैं है ना सेल्स इज टेकिंग प्लेस तो करना क्या है नेहाज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट और आपका एप्लीकेबल होता है एटीन परसेंट जीएसटी मतलब इसका हाफ कर दो नाइन परसेंट सेंट्रल जीएसटी और नाइन परसेंट स्टेट जी एस टी आउटपुट जीएसटी ठीक है चलिए फॉर्मेट की तरफ चलते हैं देन सीह एज से कितना है नेहाज अकाउंट थर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड लेकिन ये अमाउंट आपको कब मिलेगा जब आप जी आउटपुट जी कैलकुलेट करोगे तो एटीन परसेंट है तो नाइन परसेंट आपको निकालना है इसके ऊपर हाउ मच इज द अमाउंट एक बार मैं फिर आपको दिखा दूँ यहाँ पे एंट्री की तरफ चलते हैं सो दैट एवरीथिंग लेट्स बी क्लियर ना थर्टी थाउजेंड देखो सो थर्टी थाउजेंड के ऊपर नाइन परसेंट जब आप निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा 2700 तो ये अमाउंट आपको ये कंप्लीट करने के बाद ही लिखना है स्टूडेंट्स क्योंकि इनका टोटल आपको लिखना है ना सो नेहाज अकाउंट डेबिट है टू सेल्स अकाउंट इज 30000 30000 के ऊपर आप जीएसटी लगा दो आउटपुट सेंट्रल जीएसटी 9% 2700 आउटपुट स्टेट जीएसटी 9% 2700 इन तीनों को ऐड कर दो स्टूडेंट्स आपको नेहाज अकाउंट डेबिट का अमाउंट मिल जाएगा यहां पर आपको डेफिनेटली नरेशन में लिखना है बींग गुड सोल्ड टू नेहा ऑन क्रेडिट एट द रेट एटीन परसेंट जीएसटी ओके सो दिस इज हाउ यूर सपोज टू राइट ये ऑलरेडी ऐसे वाले हमने एंट्रीज किए हैं स्टूडेंट इन द प्रिज सो आई थिंक नाउ इट हैज बिकम अ रिविजन फॉर यू है ना चलिए नेहा की बात जाते हैं टेंथ अप्रैल के पास सोल्ड गुड्स टू संजय ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड एट द रेट ट्वेंटी एट परसेंट मतलब फोर्टीन परसेंट हाफ करना है आपको सेंट्रल स्टेट जी एस टी एंड पेमेंट रिसीव्ड बाई चेक पेमेंट जो रिसीव हुआ है ऑब्वियसली कै आया है ना पैसे आए हैं पेमेंट रिसिव बाय चेक बोला है तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आपने गुड्स को सेल किया है संजय को लेकिन पैसे तो मिले हैं ना ट्रांजेक्शन तो कैश में ना पेमेंट इज रिसीव बाय बैंक सो व्हाट इज कमिंग इन बैंक अकाउंट को डेबिट करना है चेक के थ्रू टू तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट टू तो आउटपुट जीएसटी लगाना है हाउ मच ट्वेंटी एट जीएसटी है ऑलरेडी मैंने आपको बोला है फोर्टीन आपका क्या हो जाएगा सेंट्रल जीएसटी और फोर्टीन स्टेट जीएसटी चलिए टेंथ अप्रैल के ट्रांजेक्शन की तरफ हम चलते हैं यू कैन सी हियर बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया है हाउ मच सिक्सटी फोर थाउजेंड क्योंकि पहले हमको सेल्स के ऊपर परसेंटेज निकालना है जीएसटी का तो ये अमाउंट आपको अंत में ही मिलेगा जब हम तीनों ऐड करेंगे सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना है फिफ्टी थाउजेंड है फिफ्टी थाउजेंड के ऊपर करो चिल्ड्रन फोर्टीन अपॉन हंड्रेड यू विल गेट सेवन थाउजेंड टू आउटपुट सेंट्रल जीएसटी सेवन थाउजेंड टू आउटपुट स्टेट जीएसटी थाउजेंड तीनों को ऐड करो आपको सिक्सटी फोर थाउजेंड मिल जाएगा सो नरेशन न रेशन गोल्ड सॉरी सोल्ड गुड्स ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है check, हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया है ठीक है सो दिस इज अबाउट द्रिल वाला ट्रांजेक्शन लेट्स गो टू नेक्स्ट ओके और ये फोर्टीन अप्रैल का ट्रांजेक्शन है आप देख सकते हो यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश नाउ स्टूडेंट्स ये जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर आपने गुड्स परचेज किया है किसके लिए कैश से तो परचेज अकाउंट डेबिट के साथ आपको जीएसटी लगाना है ओके okay? लेकिन उसके बाद उसके साथ सॉरी आपको टेन परसेंट कैश डिस्काउंट भी करना है क्योंकि जो परचेज गुड्स आपने किए हैं आपने कैश पे किया है ना तो वहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड भी हुआ है तो वो दस परसेंट का आपको कैलकुलेशन दिखाना है तो पहले तो एंट्री हमारी कैसे होगी स्टूडेंट्स परचेज अकाउंट डेबिट होगा कितना है कितना है परचेज फिफ्टी थाउजेंड इनपुट जीएसटी लगाना है एटीन परसेंट है तो नाइन परसेंट सेंट्रल और नाइन परसेंट स्टेट जीएसटी आपको कैलकुलेट करना है सो नाइन फाइजा या सो so, ये करने के बाद टू कैश अकाउंट क्रेडिट करना है स्टूडेंट्स आपको ठीक है कितना क्रेडिट करना है वो हम कैलकुलेशन भी देखेंगे नीचे जो दिया है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और डिस्काउंट रिसीव का कितना अमाउंट आता है बिकॉज टेन परसेंट है टेन परसेंट किसके ऊपर निकालना है वो भी हम देखेंगे पहले ट्रांजैक्शन के पास चलते हैं फोर्टीन अप्रैल का ट्रांजैक्शन है सी परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा फिफ्टी थाउजेंड इनपुट जीएसटी सेंट्रल जीएसटी और इनपुट सेल्स जीएसटी एस तक तो सब कुछ क्लियर है इज इट स्टूडेंट्स नाउ लेट्स गो टू द कैलकुलेशन पार्ट ये यहाँ पर नीचे दिया गया है सो आई विल जस्ट शो इट टू यू सी ओकेट ये ट्वेंटी सिक्स का है आई विल जस्ट टेल यू यूर ओके ओके दिस इज़ वेरी सिंपल दिस इज टेन परसेंट ऑन द परचेजेस तो टेन परसेंट ऑन द परचेजेस क्या है कैश कितने हैं परचेजेस स्टूडेंट्स फिफ्टी थाउजेंड सो फिफ्टी थाउजेंड का टेन परसेंट क्या है सॉरी वो जो एक्सप्लेनेशन है वो दूसरे ट्रांजेक्शन का है बट दिस इज़ वेरी सिंपल सो आई जस्ट टेल यू ओवरली चिल्ड्रन तो टू कैश बैलेंसिंग क्लिगर लिखेंगे लेकिन उससे पहले हमको डिस्काउंट कितना दिया है कैश डिस्काउंट जो रिसीव हुआ है उसके ऊपर कैलकुलेशन करना है और वो टेन परसेंट है कैश डिस्काउंट तो फिफ्टी थाउजेंड का टेन परसेंट होता है पाँच हज़ार येस और नो चिल्ड्रन यस सो टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और डिस्काउंट दिया गया है तो डिस्काउंट रिसिव इज फाइव थाउजेंड सो इन तीनों को ऐड करो यू विल गेट फिफ्टी नाइन थाउजेंड सो फिफ्टी नाइन थाउजेंड में से अगर आप पाँच हज़ार निकालोगे स्टूडेंट विल गेट बैलेंस फिफ्टी फोर थाउजेंड ओके आई होप यू आर ऑन द सेम पेज आई टेल इट आई एल एक्सप्लेन इट अगेन परचेज अकाउंट डेबिट है यू हैव परचेज गुड्स फॉर कैश सही है टेन परसेंट कैश डिस्काउंट भी मिला है एटीन परसेंट का जीएसटी है तो हमारा एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट अलॉन्ग विद डैट हमारा जीएसटी लगेगा श्योर sure, चिल्ड्रन तो इनपुट सी जी हमारा है नाइन परसेंट और इनपुट स्टेट जीएसटी है नाइन परसेंट तो ये फिफ्टी थाउजेंड का नाइन परसेंट दिखाया निकाला है तो फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये ठीक है इन तीनों का टोटल आता है फिफ्टी नाइन थाउजेंड करेट नाउ यू हैव पेड फॉर कैश टू कैश अकाउंट क्रिएट करना ही है लेकिन डिस्काउंट भी मिल गया है टेन परसेंट का डिस्काउंट हैज रिसीव्ड तो हमें टेन परसेंट और फिफ्टी थाउजेंड निकालना है जो पाँच हजार है तो डिस्काउंट रिसीव अगर पाँच हज़ार है तो बैलेंस टू तो कैश अकाउंट फिफ्टी फोर थाउजेंड होगा फिफ्टी नाइन थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड विल गिव यू फिफ्टी फोर थाउजेंड ठीक है देन बींग परचेज गुड्स फॉर कैश एट टेन परसेंट कैश डिस्काउंट एंड एटीन परसेंट जीएसटी नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डोंट फर्गेट टू राइट द नरेशन ठीक है फोर्टीन का हो चुका है लेट्स गो टू द नेक्स्ट नेक्स्ट इज सिंपल वंस ये हमने बहुत बारी किया है पेड एडवर्टीजमेंट है स्टूडेंट एडवर्टीजमेंट एन एक्सपेंस पैसे हाथ से जा रहे पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस मैं दिखा देतीबिट एट थाउजेंड टू कैश अकाउंट क्रेडिट एट थाउजेंड बींग पेड फॉर एडवर्टीजमेंट है चलो एटींथ का हो चुका है लेट्स गो टू द्वेंटी नाउ सी योर ट्वेंटी का आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है बहुत सिंपल है बट स्टिल परचेज अ हॉर्स फॉर फोर्टी थाउजेंड एंड पेड कैरेज चार्जेस ठीक है तो ऑबियस है आप क्या कर रहे हो लाइफ uh, स्टॉक ना यूर परचेजिंग लाइफ स्टॉक एंड यूर पेइंग तो टोटल कितना हो जाएगा कैरेज के साथ हॉर्स और पेड कैरेजिज ऑल्सो कितना है फोर्टी थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड फोर्टी टू थाउजेंड तो परचेज क्या है हॉर्स और हॉर्स कैटेगरी आता है आपके लाइव स्टॉक में तो एंट्री बहुत सीधे सीधे सिंपल है आपका लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा ऐड करना है आपको फोर्टी थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड क्योंकि दोनों पे किया है ना आपने परचेज भी किया है उसका फोर्टी थाउजेंड कैरेज चार्जेस भी है दो हज़ार तो फोर्टी प्लस टू थाउजेंड इज़ फोर्टी टू थाउजेंड सो एंट्री क्या है ट्वेंटी अप्रैल की लाइव स्टॉक अकाउंट आई टोल्ड यू वाई हैव रिटन लाइव स्टॉक हेयर आई शो यू लाइफ स्टॉक बिकॉज हॉर्स परचेज किया है ना तो उसको हम एक कैटेगरी में लेते हैं दैट इज लाइफ स्टॉक लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट फोर्टी टू थाउजेंड टू कैश अकाउंट क्रेडिट फोर्टी टू थाउजेंड बींग परचेज हॉर्स एंड पेड कैरेज चार्जेस ओके गो टू द ट्वेंटी सेकेंड वन ट्वेंटी सेकेंड भी बहुत सिंपल है पेड फॉर स्टेशनरी वाला है उनका भी डायरेक्ट एंट्री ही होगा पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इलेवन थाउजेंड तो एक्सपेंस है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश जा रहा है ना हाथ से तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट सी इलेवन थाउजेंड डेबिट इलेवन थाउजेंड क्रेडिट बींग पेड फॉर स्टेशनरी ओके सो दिस इज ऑल्सो डन लेट्स गो टू द ट्वेंटी वाला जिसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है ठीक है ट्वेंटी सिक्स पहले पढ़ लेते हैं हम स्टूडेंट्स सोल्ड गुड्स ना यहाँ पर सोल्ड गुड्स है ओके सोल्ड गुड्स टू आलोक फॉर कैश ओके रुपीज थर्टीन थाउजेंड एट द रेट ट्वेल्व परसेंट जीएसटी लेस टेन परसेंट कैश डिस्काउंट स्टूडेंट्स यहाँ सेल्स हुआ है वो परचेज वाला था जहाँ पर टेन परसेंट का कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ था है ना यहाँ सेल कर रहे तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आपने क्या किया है सोल्ड गुड्स टू आलोक फॉर कैश तो कैश आ रहा है मतलब कैश आ रहा है उसके साथ साथ आपने डिस्काउंट भी दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट क्रिएट है क्योंकि सेल कर रहे हो सेल के साथ साथ आपका जीएसटी लगेगा ट्वेल्व परसेंट जीएसटी है स्टूडेंट्स और सिक्स परसेंट स्टेट सिक्स परसेंट सेंट्रल जीएसटी आपका लगना है ठीक है अब ये पूरा कैलकुलेशन कैसे करना है मैं वहां पे आपको कैलकुलेशन के पास जाकर दिखा दूंगी पहले तो एंट्री पास करेंगे हम थर्टीन थाउजेंड का ओके सो हाउ मच इज द अमाउंट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो दिया है सेल्स आपने किए हैं थर्टीन थाउजेंड का ठीक है यस और नो देन विल गो टू द कैलकुलेशन पार्ट सो दैट आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे हुआ है लुक एट दिस एक्सप्लेनेटरी है ये नोट ट्वेंटी सिक्स अप्रैल का ही नाउ गुड्स कितने सेल हुए हैं थर्टीन थाउजेंड राइट पहले तो आपको क्या करना है आपको जी सेंट्रल uh, और स्टेट जीएसटी अप्लाई करना है ट्वेल्व परसेंट है तो फिफ्टी परसेंट सेंट्रल और फिफ्टी परसेंट स्टेट है थर्टीन थाउजेंड इंटू सिक्स अपॉन हंड्रेड विल गिव यू सेवन एटी सेंट्रल जी एस टी सेवन एटी स्टेट जी एस टी इसका टोटल होता है आपका फोर्टीन थाउजेंड फाइव सिक्सटी ठीक है ना ये टोटल है लेकिन टेन परसेंट डिस्काउंट दिया है ना थर्टीन थाउजेंड के ऊपर इसके ऊपर सो दैट इज थर्टीन हंड्रेड तो माइनस करो फोर्टीन थाउजेंड फाइव सिक्सटी कैसे मिला हमको पता है माइनस डिस्काउंट भी है, है ना तो लेस थर्टीन हंड्रेड थर्टीन हंड्रेड कैसे आया स्टूडेंट्स टेन परसेंट ऑफ थर्टीन थाउजेंड तो 1300 है तो एक्चुअल कैश रिसीव्ड कितना आएगा 13260 दिस इज हाउ वी हैव गॉट दिस इज हाउ दिस इज हाउ वी हैव गॉट 13260 अब चलिए एंट्री की तरफ चलते हैं यहाँ पे सी कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमें पता है कितना कैश मिला है 13260 डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा स्टूडेंट्स क्योंकि कैश के साथ डिस्काउंट अलाउड भी आ रहा है डेबिट सो वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड टेन परसेंट ऑन थर्टीन थाउजेंड ओके दिस इज द अमाउंट टू सेल्स हुआ है थर्टीन थाउजेंड का टू आउटपुट्स सेंट्रल जी एस टी है हमारा सिक्स परसेंट सेवन एटी आउटपुट स्टेट जी एस टी है सेवन एटी तो इन तीनों को अगर ऐड करेंगे दैट इज वन वे इन तीनों को ऐड करके हमें जो अमाउंट मिलेगा ओके डिस्काउंट अलाउड को उसको माइनस करेंगे तो कैश कितना आया है वो भी मिल जाएगा वहाँ पे मैंने आपको माइनस करके दिखाया है शॉर्ट फॉर्म में यहीं से करना है तो कैश अकाउंट डेबिट आपको ऐसे रखो फॉर द टाइम बिंग डिस्काउंट अलाउड डेफिनेटली टेन परसेंट ऑन थर्टीन थाउजेंड वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड मिल चुका है सेल्स हमारा थर्टीन थाउजेंड है सी जी एस टी और स्टेट जी एस टी करके हमें इन तीनों का टोटल करना है है ना इन तीनों का अगर आप टोटल करोगे आई जस्ट शो यू विद द हेल्प ऑफ कैलक्युलेटर ओके सो थर्टीन थाउजेंड जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग प्लस सेवन एटी प्लस सेवन एटी फोर्टीन थाउजेंड फाइव सिक्सटी होता है तो वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड डिस्काउंट अलाउड ऑलरेडी है तो उसका बैलेंसिंग फिगर आपका कैश रिसीव्ड में आ जाएगा तो मैं यहाँ माइनस वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड करती हूँ स्टूडेंट्स इन डिस्काउंट तो टेन परसेंट ऑन थर्टीन थाउजेंड ही है ना सो थर्टीन थाउजेंड टू सिक्सटी दिस इज वन वे ऑफ गेटिंग द कैश अकाउंट डेबिट ओके एंड नरेशन लिखना है डेफिनेटली बींग गुड सोल्ड टू आलोक फॉर कैश एट द रेट ट्वेल्व परसेंट जी एस टी एंड टेन परसेंट कैश डिस्काउंट ओके इसको अच्छे से याद करना है आपको स्टूडेंट्स याद इन द सेंस अंडरस्टैंड करना है क्योंकि परचेज के लिए जब हम परचेज करते हैं तो डिस्काउंट कैसे लिखते हैं और जब सेल करते तो डिस्काउंट अलाउड कहाँ लिखते हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस क्विकली गो टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ट्वेंटी एट का है आई जस्ट रीड आउट फॉर यू रिसिव्ड एन अमाउंट ऑफ वन थाउजेंड फ्रॉम वर्षा प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस हाँ विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज डेट्स नाउ स्टूडेंट्स बैड डेट्स रिकवर्ड जो हुए हैं दोज आर ऑब्वियसली आपके एक्सपेंस है ना आई एम सॉरी आपके रिसीव्ड uh, मिले हैं ना आपको ये अच्छी बात है ना बैड डेट्स रिकवर हुए हैं यू नो द रूल डेबिट द एक्सपेंसिस और लॉसेज क्रेडिट द इनकम्स एंड गेंस ओके तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है यू हैव रिसिव एन अमाउंट ऑफ वन थाउजेंड फ्रॉम वर्षा तो कैश आ रहा है तो एंट्री क्या है कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा and which account your bad debts recovered account will be credited okay credit the incomes and gains तो चलिए वहाँ पर हम चलते हैं फॉर्मेट के तरफ और वहाँ हम देखते हैं फॉर्मेट में हमने कैसे लिखा है कैश अकाउंट डेबिट हो गया वन थाउजेंड टू डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट बिंग अमाउंट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स नाउ रिकवर्ड तो आपको रिकवर हो चुका है विच इज़ अ गुड थिंग पैसे मिल चुके हैं ओके सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट एंट्री नेक्स्ट एंट्री मतलब फाइनल एंट्री गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ फाइव थाउजेंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल ऑबियसली ओके तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स एडवर्टीजमेंट है ना सो इट इज़ एन एक्सपेंस सो एडवर्टीजमेंट में आप गुड्स इन इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब होड कर रहे हो तो यहाँ पर गुड्स कॉस्टिंग फाइव थाउजेंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल सो आपका एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो गुड्स जा रहे हैं तो टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल आपको क्रेडिट करना है चलिए फॉर्मेट की तरफ मैं आपको बता दू दिस इज द लास्ट एंट्री ट्वेंटी थर्टीय का ओके एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो चुका है फाइव थाउजेंड डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री अकाउंट क्रेडिट फाइव थाउजेंड इन द क्रेडिट साइड बींग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम्स और ट्रांजेक्शन चिल्ड्रन आगे चल के ये आपको इतना प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली इट विल बी गेट फिक्स इन योर माइंड्स ऑल्सो सो डेबिट का टोटल करना है क्रेडिट का भी करना है दोनों सेम ही होंगे टोटल होंगी ओके सो आई होप दिस इलास्ट्रेशन इज ऑल्सो वेरी सिंपल, आई मीन टू से बहुत सिंपल और ईजी आपको यू नो अंडरस्टैंड हो चुका है स्टूडेंट्स सो दैट्स इट इन दिस वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली विल कम विथ मोर इलास्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टिल दैन टेक केयर चिल्ड्रन थैंक यू सो मच